नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है लोक सेवा आयोग से संबंधित। लोक सेवा आयोग 1.5 माह में 4 बड़ी परीक्षाएं कराने का लक्ष्य रखे हुए है, जिसमें से कि GIC और आसम पद्धति की जो परीक्षाएं हैं उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। GIC की परीक्षा जो है वह 19 तारीख को और जो आश्रम पद्धति की परीक्षा है वह 26 तारीख को, यानी सितंबर में 19 और 26 तारीख में दो डेट में परीक्षाएं ये लगी गई हैं। अगली जो परीक्षाएं PCS से संबंधित हैं और फिर और एक परीक्षा है, जिनको लेकर के कुल 3-4 परीक्षाएं ये 1.5 माह के अंदर कराने की व्यवस्था बनाया हुआ है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट, नई शिक्षक भर्ती इसी माह हो सकता है ऐलान। और बेसिक शिक्षा परिषद में लगभग 70,000 से अधिक पदों के खाली होने की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त हो रही है और जैसा कि कमेटी फाइनल रिपोर्ट जो ही दे देती है कि तुरंत बाद ऐलान होने की बात है। 15 दिन का समय उनको दिया गया है कमेटी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षकों के पदों की संख्या को देखने के लिए, संख्या बताने के लिए एक कमेटी का निर्धारण किया गया था। अगली महत्वपूर्ण अपडेट, UPPCL की तरफ से जल्द एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि RO सहित कई ऐसे पद हैं जिनको कि भरे जाने हैं, उनका विस्तृत जो विज्ञापन है जल्द ही हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी आप UPPCL की अधिकारी जो साइट दिख रही है www.uppcl.org पर जाकर भी देख सकते हैं। इसमें अंतिम जो तिथि है फॉर्म भरने की 5/10/2021 निर्धारित की। बेरोजगार दिवस मना, युवाओं ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में रिक्त 5,00,000 पद भरने की मांग। प्रदेश में रिक्त पदों को भरे जाने की मांग को लेकर के रोजगार आंदोलन कर रहे बेरोजगारों ने प्रधानमंत्री की जन्मतिथि बेरोजगार दिवस के रूप में मनाए जाने की व्यवस्था कर रखी थी और कल यही हुआ। युवा मंच के बेरोजगार दिवस व रोजगार आंदोलन को समर्थन देने के लिए लाखों अभ्यर्थी वहाँ सिविल लाइंस पहुँचे। आप देख लेंगे ट्विटर अभियान के थ्रू भी 1.9 मिलियन ट्वीट्स जो है किए गए हैं राष्ट्र की बेरोजगार दिवस पर। वहीं नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी उसमें ट्रेंड करता रहा 3रे नंबर पे। तो यह ट्विटर के माध्यम से भी विरोध प्रदर्शन किया गया, रोजगार की मांग की गई और अभ्यर्थी जो ये ट्वीट कर रहे हैं उससे स्पष्ट हो जा रहा है कि बेरोजगारी की क्या स्थिति है हमारे देश में। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है बीएड काउंसलिंग से संबंधित। बिना UG फाइनल परिणाम के बीएड काउंसलिंग शुरू। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जहां की ग्रेजुएशन के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, यूजी के बिना परिणाम आए ही वहां काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। अब यह काउंसलिंग शुरू होने से समस्या हो रही है कि जिनके पास नहीं होगा फाइनल रिजल्ट उनको सरकारी विद्यालय नहीं मिल पाएगा, वो वंचित रह जाएंगे। इस नाते जो अभ्यर्थी हैं यूनिवर्सिटियों के चक्कर काट रहे हैं कि उनके जो रिज़ल्ट हैं वो जल्दी से अनाउंस कर दिए जाएं और जो परिणाम अनाउंस हो जाए तो जिससे कि उनकी यह जो समस्या है वह भविष्य में समाप्त हो जाए और अगर सरकारी कॉलेज उनको प्राप्त होता है तो यथासंभव उसमें ज्वाइन हो सकें, उसमें एडमिशन ले सकें। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है रीट परीक्षा से संबंधित। राजस्थान की रीट जो परीक्षा है उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। 26 सितंबर को इसका आयोजन किया जाना है। रीट परीक्षा के लिए 16.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार को अपना फॉर्म नंबर, अपना नाम, माँ का नाम और बर्थडे डालनी होगी। तो इन्हीं ढेर सारी डिटेल्स के साथ आप जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह एक अच्छी खबर है क्योंकि रीट की परीक्षा काफ़ी दिनों से टलती जा रही थी और एग्ज़ाम की जो डेट है वह स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कि कब होगी और यह क्लियर हो गया है। 26 सितंबर को अब इसकी परीक्षा होने जा रही है। साथ ही साथ एडमिट कार्ड भी आपको वेबसाइट पर दे दिया जा चुके हैं, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अन्य प्रदेशों से भी फॉर्म डाले हैं, जैसे UP से, बिहार से रीट की परीक्षा के लिए, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है और एक अच्छा मौका भी। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।